इस जनपद के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय स्तर एक मानी जानी हस्ती जो अब तक यहां के सांसद हैं, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जैसी कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुके हैं, ऐसे आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री विनोद जी पांडे, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, श्री राकेश प्रसाद जी प्रदेश उपाध्यक्ष, लोकप्रिय विधायक श्री उमाशंकर जी अकेला और पूर्व विधायक श्री शंकर जी चौधरी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई, मैं समझता हूं रामगढ़ की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद आप सबके सामने खड़ा हुआ, फिर भी आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आप लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज यदि आपके बीच आया हूं तो केवल एक सामान्य प्रत्याशी के लिए वोट मांगने नहीं आया, वैसे तो हर राजनेता जब किसी मंच पर खड़ा होता है अपने प्रत्याशी की सराहना करता है, लेकिन झूठी सराहना करना यह मेरे स्वभाव में नहीं है। आज जो प्रत्याशी इस समय आपके मैदान में है, जयंत सिन्हा, योग्यता प्रतिभा क्षमता के मामले में और मैं कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के भी, इस नौजवान को आज से नहीं वर्षों से हम लोग जानते हैं और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय यशवंत जी सिन्हा, भले ही आपको न लगता हो क्योंकि घर की मुर्गी साठ बड़ा, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर आर्थिक विधि विषयों पर, वैदेशिक मामलों से जुड़े हुए विषयों पर विचार व्यक्त करने के लिए हिंदुस्तान से किसी शख्सियत को बुलाया जाता है तो आपके सांसद आदरणीय यशवंत सिन्हा को बुलाया जाता है। उन्हीं की औलाद यशवंत सिन्हा इस समय मैदान में, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी से मैंने बहुत आग्रह किया कि आप स्वयं चुनाव के मैदान में, उन्होंने कहा कि मैं 75 की आयु अपनी पूरी कर चुका हूं और भारतीय संस्कृति में जो एक व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के तहत मैं चाहता हूं कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूं। मैंने उनसे कहा कि आपकी उपयोगिता पार्टी के लिए, आपकी उपयोगिता आगे आने वाली सरकार के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत हो चुका, अवस्था हो चुकी है। तो उस समय मैंने ही फैसला किया था पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, बहनों भाइयों, तो यदि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो मैं आपसे मांगता हूं ना मत बोलना कि आप जयंत सिन्हा को हमको हजारीबाग से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रत्याशी के रूप में, थोड़ी देर की हिचक के बाद उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वसूलों की मूल्यों की राजनीति करने वाले आदरणीय यशवंत सिन्हा जी हैं, जयंत सिन्हा पर भी हमको नाज है और नाज इसलिए है उनकी योग्यता के बारे में आप लोग परिचित हैं, केवल IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के वो एक प्रतिभाशाली छात्र नहीं रहे हैं, वहीं से केवल डिग्री उन्होंने हासिल नहीं की है बल्कि मैनेजमेंट का कोर्स जो किया है इस दुनिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, और आज
चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे टेक्नोलॉजी तकनीक के मामले में हो, रोजगार के मामले में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन गिने चुने लोगों से सलाह लेते हैं लोग, उनमें से आपका प्रत्याशी जयंत सिन्हा है बहन भाइयों, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। मुझे विश्वास है एक ऐसा प्रतिभा संपन्न नवयुवक जब चुनकर भारत की संसद में जाएगा, केवल आपके क्षेत्र की ही समस्याओं को संसद में आवाज देने का काम नहीं करेगा, केवल झारखंड की ही समस्याओं को संसद में आवाज देने का काम नहीं करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए, एक समृद्धशाली भारत बनाने के लिए क्या योगदान किया जा सकता है, वह योगदान भी देने का काम करेगा। मैं पहचानता हूं, मैं भी विज्ञान का छात्र रहा, इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। बहनों भाइयों, बहुत हो चुका है, देश संकट के भवन में, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं बहनों भाइयों, देश को यदि कोई बचा सकता है तो केवल नेता नहीं बचा सकता है, अब यह देश की जनता ही बचा सकती है इस देश को। हर मोर्चे पर संकट, आर्थिक मोर्चे पर भी, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मोर्चा, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को, भ्रष्टाचार का बोलबाला, आज सारी दुनिया में भ्रष्टाचार जो कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दुनिया का एक दूसरा देश है, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, जन संसाधन की कमी नहीं है, फिर भी भारत आज तक गरीब बना हुआ है, दुनिया के गरीब देशों में भारत की गणना होती है। आप ये कहेंगे कि भाजपा सरकार बनाने के बाद यह कौन सा करिश्मा कर देगी, और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सब जो यहां पर खड़े हैं सबसे, मेरी बात यदि गलत हो तो बहनों भाइयों एक भी ताली नहीं बजनी चाहिए, लेकिन जो बात मैं बोलने जा रहा हूं यदि वह सही हो तो एक भी हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ताली न बजाए। क्या यह सच नहीं है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार महंगाई को पूरी तरह से रोकने में यदि किसी भारत माता के सपूत ने कामयाबी हासिल की थी तो भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने हासिल की। बधाई देना चाहता हूं आदरणीय यशवंत सिन्हा जी को, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने वित्त मंत्री रहते हुए जो योगदान उन्होंने किया है उसे भाजपा तो कभी भूल नहीं सकती। बहनों भाइयों, सारी प्रतिकूल परिस्थितियां, दुनिया के सारे धनवान देशों ने, ताकतवर देशों ने कह दिया खबरदार अटल बिहारी वाजपेयी, यदि आपने भारत को पारमाणविक शक्ति एटॉमिक पावर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और यदि परमाणु बमों का परीक्षण करने का यदि आपने साहस किया, दुस्साहस किया, तो याद रखिएगा दुनिया के सारे देश भारत को आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे, भारत कंगाल हो जाए, बेहाल हो जाए। भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, ऐ अमेरिका, ऐ दुनिया के देश, आर्थिक मदद देना बंद करना चाहते हो तो बंद कर दो, हमें से कोई परवाह नहीं है, और अपने वैज्ञानिकों से कहा, ऐ मेरे वैज्ञानिकों, जाओ राजस्थान की पोखरण की धरती पर जितने बमों का धमाका कर सकते हो उतने बमों का धमाका करके अपने परीक्षण का नाम। बहनों भाइयों, पांच पांच बमों के धमाके हिंदुस्तान की धरती पर, दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि भारत अब एटॉमिक पावर, एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। सारी दुनिया ने आर्थिक मदद देनी बंद कर दी। बधाई देना चाहता हूं आदरणीय अटल जी को, तो श्रेय जाता है यदि सहयोगी के रूप में जो भूमिका आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने आपने निभाई है उसे यह हिंदुस्तान कभी भूल नहीं करता। बहनों भाइयों, आपको जानकारी नहीं है, सभी को मैं जानता हूं इस सच्चाई को,
दूर दराज दिल्ली से चलकर कोई जानकारी आप तक पहुंच जाए। मैं जानता हूं कि नहीं हो पाती, बड़े बड़े लोगों को नहीं हो पाती, तो आपको कैसे होगी। आज यदि मैं कहने आया हूं आपके बीच, तो अपने दिल की बात करने के लिए आया हूं। क्या हो गया है इस देश में? महंगाई ही नहीं बढ़ी है, भ्रष्टाचार। 10 साल के अंदर 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस के शासन काल में, जिसे लालू जी का समर्थन प्राप्त, झारखंड मुक्ति मोर्चे का समर्थन प्राप्त, सारे दलों का समर्थन प्राप्त। पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, लालू जी से, क्यों ऐसी भ्रष्ट सरकार को आपने समर्थन किया? जब जब कांग्रेस की हुकूमत आई है तब तब इसे हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी है, जब जब कांग्रेस की हुकूमत आई है तब तब इसे हिंदुस्तान में बहनों भाइयों भ्रष्टाचार बढ़ा। और 5.5 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की भी मैं बात कर रहा हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कह रहे हैं, सरकारी एजेंसी, सरकारी विभाग ऑडिट का काम करता, उसने अपनी रिपोर्ट भी कही। लेकिन कभी कभी संसद में बोलते हुए आदरणीय यशवंत सिन्हा को आपने सुना होगा, इस भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार पर दबाव बनाने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका यदि विपक्ष में किसी ने निभाई है तो आपके सांसद आदरणीय यशवंत सिन्हा ने। मैं कभी कभी कहता था कि भाई साहब आप 75 साल के से अधिक के हो गए, लेकिन आपका यह तेवर देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपको जरूरत से ज्यादा आपको उसमें भ्रष्टाचार संभाल है। क्या होता है यदि भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका में निभाती? मैं इस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत। क्यों भ्रष्टाचार? और बहनों भाइयों, फिर से मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं, प्रेस के मित्रों से भी कहूंगा कि यदि 6 वर्षों के हम लोगों के शासनकाल में 1998 से लेकर 2004 तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, एक झूठा आरोप जाति फर्नाडीज साहब का लगा था, वो अभी अब खत्म हुई, छुट्टी हो गई उसकी, क्लीन चिट मिल गई। क्या कोई कह सकता है? हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता, चाहे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो अथवा कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य रहा हो, कोई भी यह हिम्मत कर दे उंगली उठाकर उसके दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं। यह हकीकत है। क्यों भ्रष्टाचार? महंगाई आपकी बदकिस्मती से नहीं बढ़ रही, महंगाई यदि बढ़ रही है बहनों भाइयों, इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ रही, गलत आर्थिक नियोजन के कारण बढ़ रही, भ्रष्टाचार के कारण बढ़ रही, और कुछ भी नहीं। वादों की बात, क्या है वादे? वादों पर वादे। इंदिरा जी आई, उन्होंने कहा कि मैं गरीबी हटाना चाहती हूं, और यह जनसंघी और भाजपा ही इंदिरा को हटाना चाहते हैं, फैसला करो क्या चाहते हो आप? आप तालियां बजाकर स्वागत करते थे और ये कहते थे कि हम इंदिरा जी को नहीं हटाना चाहते बल्कि हम हटाना चाहते हैं इस हिंदुस्तान से गरीबी को हटाना चाहते हैं। यह 70 के दशक, 71-72 की बात मैं बता रहा हूं। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, जिनके प्रति हमारे मन में बेहद सम्मान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 50 के दशक में यह कहा था, इसी हिंदुस्तान प्रधानमंत्री रहे, वी आर बिल्डिंग द नेशन, हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और आज देखिए राहुल जी भी, उनका विज्ञापन टेलीविजन के पर्दे पर, हो रहा भारत का निर्माण, यानी 50 के दशक से भारत का निर्माण प्रारंभ हुआ है और अब भी हो ही रहा है, पता नहीं कब तक यह चलता रहेगा। कि वादे वादे बराबर की करके दिखाया है हम लोगों ने, कैसे सरकार चलाई जाती। और मेरी बात गलत हो, आप जाइए गुजरात देख लीजिए, जहां नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री, जाइए मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री, चले जाइए छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ और झारखंड तो एक ही तरह का राज्य बना। क्या हो गया है आज छत्तीसगढ़ का विकास? कोई जाकर देख ले, क्यों नहीं झारखंड का विकास होगा? हिंदुस्तान का 40% कोयला यदि कहीं मिलता है तो झारखंड की धरती के नीचे मिलता है,
आयरन ओर, लौह अयस्क जिसे कहते हैं, दुनिया का 20% आयरन ओर यदि कहीं भरे किसी झारखंड की धरती माता के गर्भ में, यहां भी झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं, यहां के लोग पसीना बहाना जानते हैं। बहनों भाइयों, झारखंड वासियों के पसीने की इज्जत नहीं की गई, पसीने को प्रतिष्ठा नहीं दी गई। यकीन दिलाने आया हूं, झारखंड वासियों के पसीने को प्रतिष्ठा यदि कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ में आदिवासी हो, वनवासी हो, अनुसूचित वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का, सबके पसीने को प्रतिष्ठा हम लोग। किसान भाई यहां पर हैं, किसान भाई हैं, मैं किसान भाइयों बैठे हैं यहां पर हमारे आदरणीय जयप्रम सिन्हा जी, मैं भारत सरकार में कृषि मंत्री था, मैंने फैसला किया, इसलिए फैसला किया आदरणीय अटल जी का आशीर्वाद लेकर कि हम, मैं भी किसान हूं, किसानों के दर्द को मैं जानता हूं। किसान खेत की जुताई करता, बुआई करता, गुड़ाई करता, आग लग जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, आह भरता रह जाता है, बाढ़ आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, आह भरने के अलावा उसके बाद कुछ शेष नहीं बचता, सुखाड़ पड़ जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, एक कौड़ी भी किसान को नहीं देता। एक फार्मूला मैंने तैयार किया था, आदरणीय अटल जी ने उसे अपना अनुमोदन दिया। मैंने कहा था कि खेत की बुआई के पहले, ध्यान से सुन ले, खेत की बुआई के पहले खेत की न्यूनतम आमदनी, कम से कम आमदनी तय कर दी जानी चाहिए। एक बीघा खेत है तो 4-5 साल का औसत निकाल कर तय कर दो इसकी न्यूनतम आमदनी कितनी है। मान लिया एक बीघा खेत की 15,000 आमदनी है और हमारे किसान ने उस एक बीघे खेत में अपना सब कुछ किया, फसल बोई, सिंचाई किया, गुड़ाई किया, सब कुछ किया, यदि फसल में आग लग गई, सुखाड़ यदि पड़ गया तो उसके लिए किसान की किस्मत जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि उसके लिए जिम्मेदार केंद्र की और राज्य की सरकार होगी। और 15,000 रुपए की भरपाई यदि की जाएगी तो भारत सरकार की जीवन बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी, कृषि आमदनी बीमा योजना उसका नाम। कांग्रेस के ही एक वित्त मंत्री चिदंबरम साहब ने संसद में खड़े होकर अपना पहला बजट पेश करते हुए हम लोगों के इस फार्मूले की सराहना की और उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। क्या यही संवेदनशीलता है? बहनों भाइयों, इसे लागू करेंगे हम लोग, आपको यकीन दिलाने आए। मेरे नौजवान यहां पर आएंगे, नौजवानों जरा हाथ उठा दो, रोजगार मिल गया नहीं मिला? मैं जानता हूं आपके योग्यता प्रतिभा क्षमता में कोई कमी नहीं, सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, दो टूक शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना काम तो कर सकते हैं कि हम नौजवान के अंदर इस प्रकार का स्किल, ऐसी कुशलता हम विकसित कर दें, 6-8 महीने की ट्रेनिंग देकर, ताकि यदि हमारा नौजवान कोई उद्योग चलाना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो अपने खुद बलबूते के आधार पर अपना उद्योग खड़ा कर सके। आप ये कहोगे कि पैसा कहां आएगा, तो मैंने तो आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार करेगी कि किसान ऐसे नौजवानों को जो अपना रोजगार चलाना चाहते हैं उन्हें बैंकों से कर्ज मुहैया कराया जाए और 2-3-4% पर कर्ज मुहैया कराया जाए, कम से कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जाए, क्यों नहीं हो सकता। बहनों भाइयों, कई संकट, सारे संकटों की चर्चा नहीं करना चाहता, बहुत विलंब हो गया है, लेकिन एक बार मान सम्मान स्वाभिमान मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पैसा की स्वाभिमान, स्वाभिमान यदि होती है। बहनों भाइयों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सरकार ने आपके ही नहीं भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई है। आप ये पूछेंगे कैसे? दुनिया के छोटे छोटे देश शर्म उठा है भारत की ओर आंख उठाकर देख रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी घिघी बांधे बैठे रहते हैं, भूलते नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। पाकिस्तान आता है, वहां की सेना आती है,
हमारे सीमा में घुस जाती है, हमारे जवानों की हत्या करती है और एक डेड बॉडी, एक नौजवान की, भारतीय नौजवान की लाश को कुचलती है और एक भारत के नौजवान उसका सिर धड़ से अलग करके ले जाते हैं और वहां जश्न मनाने का काम करते हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस के लोग हाथ पर हाथ धोए बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, मजबूत सरकार चाहिए इस हिंदुस्तान को। आज मैं आपसे कहने आया हूं, जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना तय हो जाएगा, उस दिन दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देख सके। हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं कर सकता है कि भारत का नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें, बात बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं बोलूंगा तो डेढ़ घंटे लग जाएंगे, लेकिन जयंत सिन्हा एक वचन दोगे आप? जयंत सिन्हा से मैं एक वचन लेना चाहता हूं, ले लें तो एक वचन लेना चाहता हूं जयंत सिन्हा से। जयंत सिन्हा, यहां की जनता भारी मतों से आपको विजय दिलाएगी, यह सच है कि नहीं है? वचन एक लेना चाहता हूं। आज मैं पूरी बात नहीं कर पाया, समय अभाव नहीं था, लेकिन जयंत सिन्हा चुनाव जीतने के कुछ महीनों में के अंदर एक बार आप मुझे फिर से इसी रामगढ़ की धरती पर बुला लेना, इस जनता के बीच बुला। और बहनों भाइयों, यदि मैं दोबारा आने की बात कर रहा हूं तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहता, तालियां बजवाकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहता। यदि आना चाहता हूं तो जयंत सिन्हा की जो विजय आपने कराई है उसके लिए शीश झुकाकर आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करने के लिए आना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।